जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों की कायराना हरकत सामने आई है। जम्मू कश्मीर के शोपिया में आतंकियों ने एक गैर कश्मीरी शख्स पर गोलियों की बौछार कर दी। दिल्ली के रहने वाले दिलरंजन सिंह पर आतंकियों ने उस वक्त हमला कर दिया जब वे विदेशी पर्यटकों के साथ होटल में खाना खा रहे थे। आतंकी हमले में बुरी तरह से घायल दिलरंजन को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दिलरंजन के साथ मौजूद दोनों विदेशी पर्यटक सुरक्षित हैं। आतंकी हमले के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके को घेर लिया। शोपिया में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। वहीं आतंकी हमले के बाद बीजेपी नेता कविंदर गुप्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इलेक्शन लोकसभा का है, दूसरे ऐसे लोग हैं जब हम माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे। सुरक्षा बल भी अपने आप में जांच करेंगे। चलिए अब बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि देश भर में लोकसभा चुनाव को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है और सरगर्मियां भी तेज है। हिमाचल की मंडी सीट पर भी कंगना रनौत की यहां पर चुनावी रंग देखने को मिल रहे हैं। अलग अलग चुनावी रंग में वो नजर आ रही हैं। लगातार वहां की जनता के बीच जाकर संपर्क अभियान चला रही है और जनाधार मजबूत करने की कोशिश में जुटी हुई है, जबकि कांग्रेस मंडी से अब तक अपना उम्मीदवार भी तय नहीं कर पाई है। ऐसे में कांग्रेस को हार का डर सताने लगा है। लोकसभा चुनावों की सरगर्मियां तेज हैं, चुनाव प्रचार भी तेज है और तेज है सियासी बयानबाजी। लोकसभा की हिमाचल से मंडी सीट, जहां से प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से कंगना रनौत, जिन पर सबसे पहले कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सोशल मीडिया पर बेहद ही अपमानजनक टिप्पणी की और पूछा मंडी में भाव क्या चल रहा है। उनके इस टिप्पणी पर कंगना ने करारा जवाब भी दिया और कांग्रेस की सोच भी बताई। साथ ही हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस पर कहा था कि कंगना हिमाचल की बेटी हैं, हम उनके साथ हैं। देखिए, कंगना रनौत ने जो भी हिमाचल, पूरे हिमाचल में जो भी बेटियां हैं, सब जो भी कन्या पैदा होती सभी बेटियां हैं। जो ट्वीट करने वाले उन्होंने खुद ही अपनी बात को स्पष्टीकरण दे दिया, तो उसको उसमें ज़्यादा बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये शब्दावली का प्रयोग है। कई जगह कंगना जी भी ऐसी शब्दावली प्रयोग कर देंगे, फिर बाद में माफ़ी मांग लेते हैं ना, तो इसलिए ऐसी शब्दावली का प्रयोग नहीं होना चाहिए राजनीति। लेकिन ये सब सिर्फ कांग्रेस का दोहरा चरित्र दर्शाते हैं, क्योंकि बातों और सोच दोनों में अंतर साफ है। अब हिमाचल सरकार में लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कंगना रनौत को लेकर गलत जानकारियां फैलाना शुरू कर दिया है और दोनों ही सोशल मीडिया पर आमने सामने हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सोशल मीडिया पर विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को लेकर क्या जानकारी दी। विक्रमादित्य सिंह लिखते हैं, हिमाचल देवी देवताओं का पवित्र स्थल है, ये देव भूमि है, यहाँ गौमांस का सेवन करने वाले चुनाव लड़े, ये हमारी संस्कृति के लिए चिंता का विषय है, इसका राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। उनके इस पोस्ट के बाद सियासी बवाल हुआ तो कंगना खुद सामने आई और सोशल मीडिया के जरिए ही उन्होंने जवाब दिया और लिखा, मैं गौमांस या किसी दूसरी तरह के रेड मीट का सेवन नहीं करती, ये शर्मनाक है कि मेरे बारे में पूरी तरह से आधारहीन अफवाहें फैलाई जा रही हैं। मैं दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली की वकालत और प्रचार कर रही हूँ, अब मेरी छवि को धूमिल करने के लिए ऐसी रणनीतियाँ काम नहीं करेंगी। मेरे लोग मुझे जानते हैं कि मैं एक गौरवान्वित हिंदू हूँ और कोई भी चीज उन्हें कभी गुमराह नहीं कर सकती। दरअसल कंगना के एक पुराना पोस्ट वायरल हुआ जिसमें कंगना ने लिखा था, बीफ या कोई भी दूसरा मीट खाने में कोई दिक्कत नहीं है, ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला नहीं है। ये कोई रहस्य नहीं है कि कंगना ने 8 साल पहले शाकाहार अपना लिया और योगी बनने का विकल्प चुना, वो अभी भी किसी एक धर्म में भरोसा नहीं करती। इसके विपरीत कंगना के भाई मांस खाते हैं, इससे वो कंगना से कम हिंदू नहीं हो जाते। हम मध्यकालीन युग में नहीं है, आज कोई भी अपना धर्म बना सकता है और उसका पालन कर सकता है। उनके इस पोस्ट के वायरल होने के बाद उन्हें घेरा जा रहा है, जबकि सच यही है कि कंगना दशकों से योग और आयुर्वेदिक जीवन शैली का पालन कर रही है। पॉलिटिक्स के अंदर भी असूलों के ऊपर बेस्ड राजनीति होनी चाहिए। जहरीले बयान देकर नफरत की दीवार कुछ सियासतदान खड़ी कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि चुनाव आयोग ऐसे नेताओं पर कड़ी कार्रवाई करेगा।
कांग्रेस ने अभी तक अपने प्रत्याशी का ऐलान मंडी लोकसभा से नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंगना के सामने लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस उतार सकती है और यही वजह है कि विक्रमादित्य अपनी तैयारी पहले से कर रहे हैं। 13 तारीख को आगामी सीईसी की बैठक है और ऐसा संभावित है कि 13 शाम को या 14 तक सारी जो हमारी टिकट्स है उसकी घोषणा जो है वो सीईसी द्वारा कर दी जाएगी और मेरा नाम भी उसमें भेजा गया है। बाकी जैसा मैंने कहा कि जो डिसीजन है वो सीईसी में लिया जाएगा। इतना ही नहीं, विक्रमादित्य ने कंगना को पलटूराम कहते हुए सिफारिश की कि कंगना को पलटूराम का सर्टिफिकेट दे जो मुंबई में कुछ और बोलती है और हिमाचल में अपने बयान से बदल जाती है, अपनी बातों को ही उन पे पलट जा रही हैं, तो उस पे मैं क्या कह सकता हूँ। उसको तो उसका जवाब जयराम जी को देना चाहिए जो मुझे अक्यूज कर रहे हैं कि हम अपनी बात से पलटते हैं। मैंने तो ये कहा कि ऑन रिकॉर्ड कहा, आई वाज द ओनली पर्सन टू विजिट राम टेंपल, मैं गया और मैंने अपनी बात पे मैं कायम रहा। तो हमको सर्टिफिकेट देने से बजाय जयराम जी को अपनी जो उनकी सहपाठी हैं, उनकी सहयोगी है, उनको उनकी कैंडिडेट है, उनको वो जो है वो पलटू राम का सर्टिफिकेट देना चाहिए कि एक बारी बॉम्बे में कुछ और बोलती हैं और हिमाचल आकर उनकी जो भाषा है और जो उनकी शैली है वो एकदम जो है वो बदल रही है। चर्चा है कि मंडी लोकसभा सीट से कंगना रनौत के सामने विक्रमादित्य सिंह को कांग्रेस की तरफ से उतारा जा सकता है। विक्रमादित्य सिंह भी कंगना की तरह पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। हालांकि मंडी लोकसभा सीट से विक्रमादित्य सिंह की मां प्रतिभा सिंह 3 बार की सांसद रही हैं और मौजूदा समय में भी वह सांसद हैं। आपको बता दें लोकसभा चुनाव के लिए हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को वोटिंग होनी है और उसी के लिए ये सियासी जुबानबाजी चरम पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लोकसभा चुनाव बहुत नजदीक है, ऐसे में सबकी नजरें टिकी हुई हैं कि आखिर राज ठाकरे का रुख क्या कुछ होगा। आज बड़ी रैली मुंबई में होने वाली है राज ठाकरे की, शायद स्थितियां स्पष्ट हो जाएं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राज ठाकरे आज मुंबई के शिवाजी पार्क में बड़ी रैली करेंगे। शाम 7 बजे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए राज अपनी राजनीति की नई दिशा का ऐलान महाराष्ट्र की जनता के सामने करेंगे। रैली के जरिए अपने समर्थकों के सामने राज ठाकरे अपनी नई सियासी जमीन का खुलासा करेंगे। हाल ही में राज ठाकरे ने दिल्ली का दौरा किया था और अमित शाह के साथ सियासी मुलाकात की थी। राज ठाकरे शिवाजी पार्क में रैली के जरिए एनडीए में आज शामिल होने का ऐलान समर्थकों के सामने कर सकते हैं। राज ठाकरे को महाराष्ट्र में मुंबई दक्षिण लोकसभा सीट दी जा सकती है। 2019 के लोकसभा चुनाव में राज ठाकरे ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे थे, लेकिन राज्य में जगह जगह जाकर बीजेपी के खिलाफ मनसे ने प्रचार किया था। ठाकरे ने 2006 में शिवसेना छोड़कर नई पार्टी बनाई थी जिसका नाम महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना रखा। 2009 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी ने 13 सीटें जीती, लेकिन इसके बाद राज ठाकरे के पार्टी का प्रदर्शन लगातार गिरता गया।